बेरोजगार कला अध्यापक संघ हमीरपुर की जिलाध्यक्ष अंजना कुमारी ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वे लंबे अरसे से नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इन अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरे जा रहे हैं, जिसके चलते इन बेरोजगार कला अध्यापकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कला अध्यापक संघ हमीरपुर की जिला अध्यक्ष अंजना कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में भी 350 के करीब कला अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में भी काफी संख्या में रिक्त पद चल रहे हैं। अंजना कुमारी ने RTI का हवाला देते हुए कहा कि माध्यमिक स्कूलों में ही ये नियम लागू होता है कि कला अध्यापक के पद इन्हीं स्कूलों में भरे जाएं, जबकि उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में ये पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि कला अध्यापकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। कला अध्यापक संघ हमीरपुर की जिला अध्यक्ष अंजना कुमारी ने प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में 12 जिले हैं, तो 12 विधायकों से ही काम चलाया जा सकता है, तो प्रदेश में 68 विधायकों की क्या जरूरत है। 12 विधायकों से ही प्रदेश सरकार अपना काम चला सकती है। उन्होंने कहा कि कला अध्यापकों के पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को भी कला अध्यापक के पदों को भरने के बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द कला अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाए। मेरा नाम अंजना कुमारी है, मैं बेरोजगार कला अध्यापक संघ से जिला अध्यक्ष हमीरपुर से बात कर रही हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यही अपील करना चाह रही हूँ कि आज दिन तक कला अध्यापक संघ के क्यों नहीं पद भरे जा रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ बार बार कि उन पदों को भी जल्दी से जल्दी भरा जाए। हमने बहुत बार विज्ञापन भी दिए, पर आज दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया कि इसके पद भरे जाएंगे। अभी हमें देखते ही देखते 3 साल हो गए कि इसके पद भरेंगे, मगर अभी तक कोई भी पद इसका भरा नहीं गया। 3 सालों से हमें यही देख रहे हैं। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारे पदों को जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाए, भरा जाए, और सरकार से ये अनुरोध है कि जैसे इन्होंने RTI का हवाला दे रखा है कि हमारे पद जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में ही भरे जाएंगे और मिडिल स्कूल में नहीं भरे जाएंगे। क्यों? मिडिल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनका राइट नहीं है ड्राइंग पढ़ने का, शारीरिक शिक्षा का करने का? कोई उनका हक नहीं है कि उसको भी वो खेल प्रतियोगिता कर सकें या ड्राइंग कर सकें? उनका भी तो उतना ही राइट है जितना कि मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में है, उतना ही राइट है उनका भी। केवल उसमें 250 के करीब खाली पद चले हुए हैं, यहाँ तक कि जहाँ पे CM साहब हैं वहाँ पे मंडी में भी कम से कम 250 के करीब पद खाली चले हुए हैं उनके पास में ही, हाई में। मिडिल में तो अलग से होंगे, मगर हाई में वहाँ पे भी खाली चले हुए, वो भी आज दिन तक भरे नहीं गए। 150 के करीब उनके वहाँ भी पद खाली चले हुए आज दिन तक। मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि जब सरकार को चलाने के लिए 68 MLOs की जरूरत पड़ रही है, क्या स्कूल को मिडिल स्कूल में बोलते हैं कि ओनली 3 ही टीचर चाहिए, तो क्यों? अगर उनको 3 टीचरों से चलाया जा सकता है तो क्या MLA और इनके द्वारा 68 MLOs की क्या जरूरत है? उनको भी 12 ही MLOs से ही फिल किया जाए, उन्हीं से ही सरकार चलाई जाए। क्यों? सरकार भी उसी से चल सकती है। जब टीचर के बिना टीचर के स्कूल चल सकता है तो बिना MLA से क्यों नहीं चल सकता है? उससे भी तो चलना चाहिए। और मैं सभी MLOs से, सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में डालें, तब उनको भी पता चले कि क्या शिक्षा का महत्व है। अपने पोतों को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल कर देखो, क्या वहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता कम है, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा है, क्या ये सब? खुद उनको भी पता तो चले कि क्या है एक टीचर की महत्ता क्या है। तो हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो अपने बच्चों को भी वहीं पे डाल के देखें, ताकि उनको भी पता चले कि सरकार कैसा निर्णय ले रही है। पूरे हिमाचल में 1600 पद खाली चले हुए हैं। मैंने शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया था, बोरेंस में आए थे वो, मैंने अनुरोध किया था कि सर ड्राइंग टीचर के पद क्यों नहीं भरे जा रहे, तो उन्होंने कहा था कि हमने सैंक्शन कर दिए हैं, आपके पद स्वीकृत कर दिए हैं तो भरे जाएंगे।
मगर आज दिन तक हमें दिलासा ही मिला, मगर कोई भी पद अभी तक भरा नहीं गया है। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि इन पदों को भरा जाए और हमारी स्वीकृति की जाए।